हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। फाइनली आज अपने पास आ चुकी है 2023 की लेटेस्ट मॉडल यामाहा ZF-GX, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। जो 2023 मॉडल है यामाहा ZF-GX, इसमें यामाहा ने क्या क्या फीचर्स को ऐड किया है, क्या इसमें चेंज किया है और इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस होने वाला है, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस नहीं कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो राइट साइड से लुक है कुछ इधर से निकल के आती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी रेट्रो स्टाइल में यह बाइक नज़र आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक है ZF-GX के, आपको बेसिन देखने को मिल जाती है, कुछ इधर से दिया हुआ है। और अब बात करते हैं इसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है 2023 मॉडल में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें अब आपको 2023 मॉडल ZF-GX में डुअल चैनल ABS दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रंट और ये दोनों साइड में तो आपको ABS लगा मिलता है, जो काफ़ी अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल जाती है इस बाइक में। तो वैसे अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं तो यामाहा ने इस बाइक में अपडेट कर दिया है डुअल चैनल ABS साथ। तो यह बाइक अब आपको डुअल चैनल ABS साथ अवेलेबल है। और अब बात करते हैं इसमें आपको क्या नया फीचर्स ऐड किया है दूसरे फीचर्स की बात पे। तो इसमें अब आपको टर्न सिग्नल आपको मिलने लगा है, LED टर्न सिग्नल आपको मिलती है इस बाइक में, जो कि नया अपडेट इस बाइक में किया गया है। अब गाइस, बात के नेक्स्ट अपडेट की, तो इस बाइक में अब आपको 2023 मॉडल में आपको OBD2 सेंसर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इसमें अब आपको 2023 मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स दिया हुआ है। और फ्यूल टैंक पर आप देखेंगे तो आपको E20 की आपको बैजिंग मिल जाती है, इसे आप 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल से इसे आप चला सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे आपको माइलेज काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो इसे यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो आपको लुक मिलता है, सेम आपको लुक मिलती है, LED डियाल्स आपको मिलती है, कुछ इस पैटर्न में आपको देखने मिलती है। और जो इसमें हेडलाइट का आपको सेटअप मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है LED डियाल के साथ। अब बात करें इस बाइक की प्राइसिंग का, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 1,63,254 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। और भी डिटेल जानकारी के लिए आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं, तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करें इस बाइक में फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आपको लगी मिलती है, जो कि 41 mm डायमीटर का आपको मिल जाता है इस बाइक में। और फ्रंट फेंडर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसमें मिलती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, 282 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है। और ABS का चैन आपको देखने को मिलती है। और ब्रेक कैलिपर जो आपको लगा मिलता है इस बाइक में, बाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है। और व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज लगी मिलती है, 17 inches का आपको व्हील साइज मिल जाती है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर लगी मिलती है इस बाइक में, 100x80 17 inches का फ्रंट में ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, और जिसकी ग्रिपिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से आपको इसकी ग्रिपिंग मिल जाती है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। फ्यूल टैंक पे आपको ZF-GX की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसमें 3D में आपको मिल जाती है। और साइड पैनल पे भी आपको यामाहा की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल रही है। और अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इस बाइक में इंजन लगी मिलती है। जिसमें पावर की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम पावर निकल करती है इस बाइक में, 12.2 BHP की आपको पावर मिलती है एट 7,250 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क आपको जो मिलता है इस बाइक में, 13.3 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है एट 5,500 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको जो गियर बॉक्स लगा मिलता है इस बाइक में, 5-speed गियर बॉक्स आपको लगा मिलता है। साइड स्टर्न इंजन कटअप का आपको सेंसर मिल जाता है। जैसा गैस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है कुछ इस तरह से। और रियर में देखेंगे तो इस तरह से आपको SSC लगी मिलती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है इस बाइक में, 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर देखेंगे E20 की आपको बैजिंग मिल जाती है। E20 का मतलब क्या होता है मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। और अब बात करें इस बाइक के स्विचिंग क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस बाइक के लेफ्ट हैंड बार पर। तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम डायल के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। ऊपर आपको पासिंग लाइट का आपको स्विच मिल जाती है, यहाँ पर टच सिग्नल और हॉर्न के यहाँ पर स्विच दिया हुआ है। और इसका हैंडलिंग पोजीशन कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। और बाइक के राइट हैंड पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट का यहाँ पे आपको स्विच मिल जाती है। और मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल इस बाइक में ऑफर की जाती है। तो इसे मैं ऑन करके एक बार फेस दिखाना चाहूँगा, तो कुछ इस तरह से ऑन होती हुई दिखती है, जिसमें आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। ऊपर साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक की लाइट, ABS की लाइट, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। और डिजिटल टैकोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन के यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल रही है, और किलोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स भी आपको मिल जाती है, जिससे आप यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप से पेयर करते हैं तो जो भी इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स दिया गया है, जैसे SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, ये सारी कनेक्टिविटी फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इग्निशन की आपको यहाँ पर मिल जाती है, कुछ इस तरह से आपको मिलती है।
और सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो सिटिंग कंफर्ट आपको इसमें सिंगल आपको सीट मिल जाती है, तो कुशनिंग आपको इसका जो मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें सीट आपको इस बाइक में लगी मिलती है, सिंगल सीट आपको मिलती है। और जो सीट हाइट आपको मिलता है इस बाइक में 810 mm का सीट हाइट दिया है। ओवरऑल बात करें तो सिटिंग कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छी खासी इस बाइक मिल जाती है, जो कि काफ़ी कंफर्ट आपको प्रोवाइड करने वाली है राइडर और प्लेन दोनों के लिए। और रियर में आप बात करें तो रियर से इस बाइक का जो लुक है कुछ इस तरह से निकल के आती है। LED टेल लाइट आपको मिलती है, LED आपको यहाँ पे टर्न सिग्नल मिलता है, जो कि नया अपडेट आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। तो रियर से इसका लुक है कुछ इस तरह से निकल के आती है। और अब बात करें इस बाइक के रियर प्रोफाइल की, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन आपको इस बाइक में लगे मिलते हैं 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको इस बाइक में लगे मिलती है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको लगा मिलता है फ्रंट और रियर दोनों साइड में। और रियर व्हील की बात करें तो रियर व्हील आप देखेंगे 17 inches का आपको मिल जाती है। तो रियर टायर प्रोफाइल की यहाँ बात करें तो रियर में आपको जो टायर लगा मिलता है फ्रंट की अपेक्षा, इसमें आपको रियर में जो टायर ऑफर कहते हैं काफ़ी वाइड टायर आपको इसमें लगा मिलता है। 140/60 R17 inches का रियर में ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे MRF का टायर आपको मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे सेंसर आपको लगे मिलते हैं। और रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है। रियर व्हील्स का कलर आप देखेंगे तो रियर व्हील्स का कलर भी आपको गोल्डन कलर का इस बाइक मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के डायमेंशन की, तो इसका जो कर्व वेट निकल कर रहा है 139 kg का आपको इसका वेट मिलता है। लेंथ आपको मिलती है इस बाइक की 2020 mm का लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की बात करें तो इसका जो विड्थ आपको मिलती है 785 mm का विड्थ दिया हुआ है। और इसका जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 165 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और बात करें इसके व्हील बेस की, तो आपको जो इसमें व्हील बेस मिलती है 1330 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और ओवरऑल हाइट मिलता है इस बाइक में 1115 mm का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है। तो गाइस ये रहा यामाहा FGX 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताया हुआ कि 2023 मॉडल में इस बाइक में क्या क्या अपडेट देखने को मिलता है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। और साथ साथ मैंने बताया हुआ कि इसकी क्या ऑन रोड प्राइस होने वाली है, अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं तो इसका क्या ऑन रोड प्राइस होने वाला है इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस आपको ओवरऑल ये बाइक कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें।